हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारे पास उसमें हम बताने वाले हैं कि कैसे हम ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में फॉर्म करते हैं जो हमें बताते हैं कि इसमें किसी को हम नैतिक शिक्षा दे रहे हैं या फिर हम उसे कुछ करने की नसीहत दे रहे हैं। तो जब नैतिक शिक्षा या नसीहत की बात होती है तो एक शब्द का प्रयोग होता है, वो इस वीडियो में आप देखेंगे कि वो कौन सा वर्ड है जिसका प्रयोग करके हम इस तरह के सेंटेंसेस को बनाते हैं और इनकी क्या पहचान होती है। पहचान ये होती है कि हम किसी और को कहते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए या फिर ये तुम्हें करना चाहिए था। तो किस तरह से इन सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं हम देखेंगे इस वीडियो में। तो उससे पहले आई राहुल वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोटेक विद्या एंड लेट्स नॉट डिले द वीडियो एंड गो टू द टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम सीखने वाले हैं कि हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। बट उससे पहले कुछ छोटे से रूल को जान लेते हैं। देखिए, हमारे पास बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम अलग अलग लोगों से अलग अलग चीज़ें कहते हैं। अब वो अलग अलग चीज़ें कैसे हो सकती हैं, वो सलाह हो सकती है, कोई एक नैतिक शिक्षा हो सकती है या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है, एडवाइस हो सकती है। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं नैतिक शिक्षा की। यहाँ पर नैतिक शिक्षा का मतलब है नसीहत कह सकते हैं हम एक तरह से, जिसमें चीज़ें करनी तो होती हैं बट उसमें कोई पनिशमेंट नहीं है। अगर कोई सामने वाला करेगा तो ठीक है, अदरवाइज़ उसकी वो इच्छा है, उसमें आप उसे पनिश नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जब इस तरह के सेंटेंसेस आप इंग्लिश में बनाते हैं तो एक शब्द होता है ऑट टू, ऑट टू। तो ऑट टू का यूज़ करते हैं और इसकी हेल्प से आप सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। जैसे कि आपको हमेशा हम अलग अलग सेंटेंसेस में बताते हैं कि वोकैब हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छे वाली यूज़ करने की कोशिश करते हैं, तो इन सेंटेंसेस में भी हम वोकैब का अच्छा इस्तेमाल करेंगे। बस ध्यान ये रखना है आपको, जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पर ऑट टू के स्थान ऑट नॉट टू, ठीक है। और हमेशा इनके साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है हमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बात होती है प्रेजेंट वाले की। लेकिन अगर कोई सेंटेंस ऐसा ही हमें ये कहना होता है कि आपको ये काम करना नहीं चाहिए था, आपको ये नहीं करना चाहिए था, ये कर देना चाहिए था, तो ये जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें चाहिए था या चाहिए है आता है, तो प्रेजेंट में चाहिए है तो ऑट टू, और पास्ट में ought to have हम यूज़ करते हैं ought to have का। तो यानी कि हमारे पास अगर पास्ट में आएगी बात ought to have प्लस, अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आता है, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो इतना सा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है ताकि आप इन सेंटेंसेस को आराम से बना पाएँ। तो चलिए पहले सेंटेंस की तरह हम चल लेते हैं। इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए इस रूल का इस्तेमाल करते हुए इन्हें बनाएंगे। तुम्हें सोनू को नहीं धमकाना चाहिए था, हमने कहा सोनू को नहीं धमकाना चाहिए, तो एक उसको शिक्षा दी है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत चीज़ होती है। तो हम इसको ऑट टू का यूज़ करके कैसे बनाएंगे, यू ऑट नॉट टू। अब यहाँ पर धमकाने को कहा जाता है बुली, किसको धमका रहा है, सोनू को, तो यू ऑट नॉट टू बुली सोनू। अब आप जब इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आराम से इसको फ्लुएंसी में भी बोल सकते हैं, यू ऑट नॉट टू बुली राम, या फिर यू ऑट नॉट टू बुली सोनू, या यू ऑट नॉट टू बुली श्याम, या कोई भी जिसको आप मना करना चाहते हैं कि उसको आपको नहीं धमकाना चाहिए था या ये काम नहीं करना चाहिए था, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है तुम्हें सच बोलना चाहिए, यू ऑट टू स्पीक द ट्रूथ, यू ऑट टू स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट हमारे पास है तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था पर तुम बहुत झूठे हो। देखिए इसको कैसे हम बनाते हैं,
यू ऑट नॉट टू, जैसे कि नहीं का यूज हुआ है, यू ऑट नॉट टू टेल द फिब्स। देखिए फिब कहा जाता है झूठ को, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, यू ऑट नॉट टू टेल द फिब, पर तुम तो बहुत झूठे हो, बट यू आर ए पैक ऑफ लाई। हमने इसको कैसे बनाया, यू ऑट नॉट टू टेल द फिब बट यू आर ए पैक ऑफ लाई। नेक्स्ट पर चलते हैं, तुम्हें मंत्रों का सही उच्चारण करना चाहिए था, तो चाहिए था, देखिए यहाँ सेंटेंस चेंज हो गया है, पास्ट में चला गया, चाहिए था आ गया है। यहाँ पर हम बनाएंगे यू ऑट टू चेंटेड द मंत्रास प्रॉपरली। You ought to have chanted the mantras properly. तुम्हें मंत्रों का सही उच्चारण करना चाहिए था। Next हमारे पास आता है, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए पर तुम बहुत आलसी हो। देखिए आलसी को कहा जाता है sluggish। क्या कहा जाता है, sluggish। तो sluggish को कैसे यूज करेंगे हम इसमें, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, देखो प्रेजेंट में ही है, यू ought to wake up early in the morning but, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, you ought to wake up early in the morning but you are बहुत आलसी, आलसी को कहा जाता है sluggish, but वेरी sluggish। हमने इसको कैसे बनाया, यू ought to wake up early in the morning but you are very sluggish। तुम्हें पार्टी में कम खाना चाहिए था तभी तुम्हारा पेट खराब हुआ, तुम भूखों की तरह खाते हो, यू ought to have eaten limited food in the party, that is why your tummy is upset। अब भूखों की तरह खाना होता है voraciously, you eat voraciously, voraciously, या फिर हम इसको कह सकते हैं like hog, या फिर कोई भी चीज जब लिमिट से बढ़ जाती है यू ईट लाइक एनीथिंग, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, तुम्हें उसके साथ हाथापाई नहीं करनी चाहिए थी। हाथापाई को हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, स्कफल कहा जाता है, यू ऑट नॉट टू हैव स्कफल विथ हिम। देखिए हमने ought not to have और scuffle यानी कि थर्ड फॉर्म का यूज किया है सेंटेंस में और इसको बनाया। तुम्हें बासी खाना नहीं खाना चाहिए था, यू ought not to have eaten stale food। stale का मतलब होता है बासी खाना, तो आप इन सेंटेंसेस को अपनी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं और अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप इनसे इतने ज़्यादा फैमिलियर हो जाएंगे, आप इन्हें बोलते हुए कभी भी हेसिटेट नहीं। होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर करते रहिए। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें।